नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बांदा से खबर है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर बरसे। लखीमपुर घटना में सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। कंगना रनौत पर वह बोले कि उन्हें इसके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा और पुरस्कार मिल चुका है। हिंदुत्व और हिंदू वीर सावरकर की सोच है, हम लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं। सावरकर ने हमेशा अंग्रेजी बोलते थे। योगी जी से हमें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने हमें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकालने की भी नहीं दिया है। हमने सोचा कि वह हमारा स्वागत करेंगे, परंतु उन्होंने एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। आरएसएस की तुलना नक्सली से करने के बयान पर बोले कि यह लोग लोकल स्तर के रहने वाले बंधुआ मजदूर हैं। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। लगातार किसानों के धान हम खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं, उसके कारण से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और देश में दूसरे क्षेत्रों में मंदी का असर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से वोट तो मांगती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जानवर के छुट्टे घूमने के कारण से फसल बचाना मुश्किल हो गया। किसानों रात रात भर जग के अपनी फसल बचाने के लिए बाध्य है। यहाँ कुछ गौशालाएँ खुलेगी, लेकिन मवेशियों की मृत्यु की लगातार खबरें आ रही हैं। हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 11,000 पंचायतें हैं। 10,000 पंचायतों के लिए हमने गौठानों के निर्माण की शुरुआत की है, जिसमें 7,700 से अधिक गौठान बन चुके हैं और उसमें हम लोग गोबर खरीदने की शुरुआत की 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और पूरे साल भर में पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी, अभी तक के लगभग 54 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा और उसके करीब एक जो गौपालक हैं भूमिहीन जो लोग हैं उनको भी। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।